तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम लोग यहाँ ग्वालियर में जा रहे हैं स्वर्ग सेवा सदन। क्यों सही है? Yes. तो अभी हम लोग यहाँ से एक जगह खाना लेने जा रहे हैं, तो वहाँ से खाना वगैरह लेते हैं आश्रम के लिए और फिर आश्रम निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं। खाना लेने के लिए तो आ गए हैं और अभी जस्ट खाना लेंगे और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो खाना तो अभी हम लोगों ने ले लिया है एक जगह से, और एक जगह शादी चल रही थी तो वहाँ से मेरे भाई का वो था कि वहाँ से खाना जाएगा आश्रम के लिए। सो अभी तो खाना ले लिया है और फिर अभी आश्रम जाएंगे, तो दिखाते हैं आश्रम आपको। जलेबी, पकौड़ी और क्या क्या है इसमें? दाल है। दाल नीचे ना, दाल और नीचे वाले में क्या है? पूड़ी है। और उस वाले में इसमें कड़ी है। तो ये सब खाना अभी एक जगह से खाना और लेना है। तो अभी तो जाएंगे चावल लाने के लिए गया मेरा भाई। सो अभी एक जगह और जाएंगे, चावल भी आ ही गए। चलिए भैया, शुक्रिया, इनकी तरफ से खाना गया। सो चलते हैं, अभी एक जगह से खाना और लेंगे। तो अभी तक के लिए एक जगह से तो खाना ले लिया है और अब जा रहे हैं आकाशवाणी सिटी सेंटर। तो वहाँ खाना वगैरह पैक होकर रखा हुआ है, तो वहाँ से उठाएंगे फिर निकलते हैं आश्रम के लिए। आ गए दूसरी जगह खाना लेने के लिए और यहाँ से खाना लेंगे। तो खाना तो वगैरह पैक होकर रखता है मैंने। खाना तो ले लिया, तो खाना हो गया पूरा फैजान। चलो तो वहीं बैठ जाना। हाँ, और भी जगह थी, पीछे रख जाता। खाना वगैरह तो दोनों जगह से ले लिया है और खाने की व्यवस्था हो गई आज दिन की आश्रम के लिए। सो अभी आश्रम जा ही रहे हैं, तो फिर आश्रम चलते हैं और आश्रम का पूरा दिखाता हूँ मैं, आश्रम में कितने लोग हैं, क्या है, कैसा है। तो सामने आश्रम है, तो तो आश्रम स्वर्ग सदन तो पहुंच चुके हैं और भाई मेरा गाड़ी पार्क लगा रहा है, तो अभी चलते हैं, सबको खाना वाना खिलाएंगे। खाना वगैरह तो रखवा दिया वहाँ सामने। सो अभी सबको खाना खिलाएंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब दूसरों की कोई इंसान मदद करता है या खाने पीने के लिए ऐसे सामान। और आश्रम में काफ़ी लोग यहाँ से अपनी तरफ से खाना वगैरह बनवा के भिजवाते हैं और डोनेशन देते हैं। और चलिए सबको खाना वाना खिलाते हैं, फिर काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ आके। सो
चेकअप चल रहा है सभी लोगों का, और आपका इस तरफ ये महिला और फीमेल्स के लिए वो बन रहा है, एक पूरा रूम बन रहा है, और उस तरफ आपका पूरा वो पेड़ वगैरह लग ऑफिस, मतलब ऑफिस अभी बन रहा है उस वक्त उस तरफ। सो यहाँ ये पूरा मेडिकल चेकअप चल रहा है सभी लोगों का कि फिट एंड फाइन है कि नहीं सभी लोग। तो अभी चलते हैं अंदर और देखेंगे। अभी सभी लोग यहाँ पे तो बैठे हुए हैं, सब सो रहे हैं, खाना पीना तो खा लिया सबने। सारे बेड पर वो लोग हैं जो पैरालिसिस हैं, मेंटल डिस्टर्ब हैं, जो मतलब चल फिर नहीं सकते खाना भी इनको हाथ से खिलाना पड़ता है कुछ लोगों को। हाँ, कुछ लोगों को खाना हाथ से खिलाना पड़ता है, कुछ लोग पैरालाइज हैं इसमें, मेंटली डिस्टर्ब भी हैं। सो हमारे फैजन भाई सबको खाना खिलाते हैं हाथ से अपने, और ये हमारे मिश्रा जी ये ऐसा ही रह चुके हैं, बट इनकी काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी। सो फिर इनको मिला गया, इनको मतलब ढूंढ लिया गया, तो फिर यही है, और यही अपना आश्रम है, छोटा आश्रम, बट लेकिन सब लोग दुआ देते हैं, और क्या चाहिए, दुआ के अलावा और क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस वही चाहिए। तो गाइज़ ये है मेरा भाई फैज़ान, और हम लोग बचपन में काफ़ी ज़्यादा खेले कूदे हैं और काफ़ी ज़्यादा मस्ती करी है, और पता नहीं था कि यार ये लोगों को सोशल वर्क करना शुरू कर देगा और इतना अच्छा काम करेगा। और मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगा सुन के कि ये सोशल वर्क कर रहा है, और पूरे ग्वालियर में कि इसका कौन सा है आश्रम स्वर्ग सदन, तो उसमें ये काम कर इसमें इसके और दो दोस्त भी साथ में काम कर रहे हैं, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि ये इतना ज़्यादा हेल्प है। और अभी इस वक्त कितने लोग हैं इसमें, यहाँ पर 47 लोग हैं, और कितने अपने घर जा चुके हैं यहाँ से? 34 लोग घर जा चुके हैं यहाँ से सही होकर, ऑल ओवर इंडिया में। और ये अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे को भी इन सब कामों में काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है कि दूसरों की मदद करो, और ऐसे ही लोग चाहिए यार कि जो दूसरों की मदद करें और अपने इंडिया का नाम रोशन करें। तो कुछ बोलना चाहोगे बताओ भाई? बस बहुत बढ़िया भाई, कभी आप लोगों को ऐसे कोई अगर व्यक्ति मिलते हैं अननोन लावारिस शहर में डले हुए, तो आप उनके लिए मेरे भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरा नंबर लेके, मैं नंबर इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? किसी को भी अगर कहीं पर भी ऐसा व्यक्ति मिले तो ये लावारिस, या तो आप कॉन्टेक्ट करके उसका वीडियो बना के इसके व्हाट्सएप नंबर पर अगर भेज देंगे तो ये वो पता कर लेंगे कि ये कैसा है क्या है, और ये वहाँ उसको लेने आ जाएंगे, ठीक है? आप सबके थ्रू मतलब एक आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हो जो लावारिस, जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उनको एक घर मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा। तो मैं इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फिर चलते हैं। काफ़ी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और लोगों को खाना खिलाया, मदद की उनकी, तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ, और ये तो भाई अपना डेली करता ही है। तो फिर बस अब यहाँ से फिर निकलते हैं, तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बोल दे भाई भाई की एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए साथ में